नमस्कार दोस्तों पी सी एस गुरु जी में आपका स्वागत है दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसा टॉपिक एक ऐसा सवाल जिस पर लगभग मुझे रोज़ ही बात करनी पड़ती है मुझे रोज़ कॉल्स आते हैं और मैं इस बात पे काफ़ी देर तक डिस्कशन करता हूँ लोगों से मैं सोचा कि चलो इस बात पर एक पब्लिक में वीडियो बनाया जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कॉल नहीं कर पाते हैं जो थोड़ा सा झिझक उनके अंदर होती है लेकिन डाउट्स और समस्याएँ उनके वो भी फेस कर रहे होते हैं तो दोस्तों आज हम जिस बात पर डिस्कशन करेंगे वो ये है कि क्या नौकरी के साथ साथ फैमिली के साथ साथ फैमिली आपकी है नौकरी है बीवी बच्चे जॉब के साथ क्या पीसीएस की तैयारी की जा सकती है अगर तैयारी की जा सकती है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और अगर समस्याएं आती हैं तो किस तरह से उनका समाधान किया जाए कि प्रिपरेशन हो सके दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्लीज को पाँच दस मिनट का वीडियो रहेगा सुन लीजिएगा क्योंकि तो शायद इस वीडियो के बाद आपके जो इस टॉपिक पे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों पीसीएस की तैयारी जो है मानी जाती है कि फुल टाइम तैयारी है मैं भी मानता हूँ कि भाई देखो फुल टाइम तैयारी है और अगर आप आई एस की तैयारी कर रहे हो तो सम्भव कोशिश कीजिए कि दो तीन साल एटलीस्ट दो तीन साल तो ऐसा रखिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी होनी चाहिए ठीक है अच्छा अब ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छा है कि हाँ भाई तीन चार साल लगा लोग चार पाँच साल भी लगाते हैं ठीक है वो भी ठीक है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वो भी ठीक है कोई गलत नहीं है मैं बिल्कुल मानता हूँ एग्री करता हूँ कि आप चार पाँच साल समय लगा के कीजिए लेकिन ये उनके लिए सही है जो अपनी तैयारी बीस साल इक्कीस साल की उम्र से शुरू करते हैं ट्वेल्थ पास किया तैयारी करने लग गए दिल्ली चले गए इलाहाबाद चले गए लखनऊ आ गए यहाँ पर ठीक है या ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन के बाद करना शुरू कर दिया एक दो साल करने लगे तो वो क्या करते हैं दो तीन साल चार साल अपनी तैयारी को दे देते हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं आराम से धीरे धीरे करके वो एक, एक लेवल अचीव कर लेते हैं और फिर कॉम्पिटिशन बीट करके पीसीएस ऑफिसर बन जाते हैं पी की पढ़ाई मुश्किल नहीं है मैं जितना मैं पीसीएस की पढ़ाई को जानता हूँ जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बात तो आप एग्री करोगे कि पी की पढ़ाई मुश्किल नहीं है बट हाँ ये थोड़ा सा समय लेती है क्योंकि बड़ा है सिलेबस बड़ा है थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल उनको चाहिए होता है तो पीचर्स की तैयारी समय ज़्यादा लेती है मुश्किल नहीं होती है मुश्किल ऐसा नहीं है कि आपको थियोरम्स याद नहीं हो रही हैं आपको कोई ऐसा बहुत मैथ्स का या कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ जो आपको 25 टीचर पढ़ने से पढ़ना पड़ रहा है आपको 25 किताबों से पढ़ना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं होता है लेकिन हाँ इतना है कि आपको जैसे मैं भी हम मैं, मैं भी कहता हूँ कि भाई पंद्रह महीने का तो सिलेबस होता ही है एटलीस्ट पंद्रह महीने का सिलेबस है उसके बाद आपकी फिर मेहनत तो और किस्मत आपके ऊपर है कि आपके हाथ के दो साल में अंदर सिलेक्शन पाते हो कि चार साल के अंदर सिलेक्शन पाते हो आपको ठीक है तो देखिए नौकरी के साथ तो हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कि ये चीज़ ठीक है उनके लिए जो बीस इक्कीस साल की उम्र से तैयारी करना शुरू करते हैं चार पाँच साल समय देते हैं पच्चीस छब्बीस साल की उम्र में मेच्योर हो गए तैयारी पूरी हो गई और कॉम्पिटिशन बीट कर लिया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब मुझे तो जो कॉल करते हैं उसमें से एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट तो वो लोग होते हैं जो थर्टी प्लस हो चुके होते हैं तीस साल से ज़्यादा की ईड होती है शादी हो चुकी होती है छोटा बच्चा भी होते हैं और अब वो पी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे होते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि सर मैं मैं बचपन से चाहता था कि मैं आई एस पी बट किसी कारण से जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही जिसके कारण से नौकरी करनी पड़ी अब उसमें कई तरह के लोग हैं इसमें छोटी नौकरी करने वाले भी लोग हैं छोटी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग भी होते हैं बड़ी नौकरी करने वाले भी होते हैं बड़ी प्राइवेट नौकरी करने वाले ऐसे लोग होते हैं मिड लेवल तक पहुँच जाते हैं मिड मिड लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं ठीक है ऐसे लोग थे हैं जो मुझे जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं पिछले चार पाँच साल के अंदर कि जो यूएस में बैठे हैं यूके में बैठे होते हैं चार लाख पाँच लाख की सैलरी होती है मैं तो पूछता हूँ भैया कि पाँच लाख की सैलरी है तो तुम पीसीएस एसर क्या बन रहे हो नहीं सर इंडिया आ चाहते हैं एक ऐसी एक पोस्ट के साथ आए हैं जिससे कि अपना जो लेवल है मेंटेन कर सके हाँ तो भी ठीक है कोई बात नहीं ठीक है इंडिया में भी बात करते हैं तो कोई कंपनी में काम कर रहा है आईटी सेक्टर में काम कर रहा है सेल सैलरी एक लाख सैलरी है पचास हज़ार सैलरी है इस तरह की चीज़ें हैं ठीक है अब सैलरी अच्छी है पैसा अच्छा है लेकिन रिस्पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा हैं एक तो जॉब की रिस्पॉसिबिलिटी फुल टाइम है दूसरी बात है फैमिली की टाइम फैमिली को समय देना पड़ता है ठीक है तो ये बड़ा समस्या रहती है लेकिन अब चूँकि एक थोड़ा सा वो उम्र होती है इच्छा होती है तो आदमी बहुत बेचैन रहता है कि भाई तैयारी क्या थम्बापा कर सकते हैं चालीस साल तक की एज है पी में तो फोर्टी ईयर्स तक की एज होती है तो क्या एक बार ट्राई करना चाहिए और अगर ट्राई करना चाहिए तो कैसे ट्राई करना चाहिए ठीक है तो दोस्तों अगर आप बहुत लकी हैं बहुत खुश किस्मत हैं कि आप बीस इक्कीस साल की उम्र में किसी ने आपको गाइड कर दिया है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अट्ठारह साल से लेकर इक्कीस बाईस साल तक की एज होती है वो बेस्ट एज है बस बेस्ट टाइम है सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है पैसे भी पापा दे रहे होते हैं ठीक है और आपको उसे पढ़ना होता है लेकिन जहाँ पर आप बाईस तेईस चौबीस साल निकल जाते हैं फिर धीरे धीरे मुश्किल होना शुरू हो जाती है फैमिली का प्रेशर आप पे आना शुरू हो जाता है ठीक है लेकिन अगर वो लोग जो तो तीस साल के आसपास हैं और अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि नौकरी जिम्मेदारी बहुत जाता है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कई मुझसे बोलते हैं सर कि नौकरी छोड़ के तैयारी करें क्या तो देखिए इसके दो सवाल हैं इस दो जवाब है इसके क्या नौकरी छोड़कर प्रिपरेशन करनी चाहिए देखिए अगर आपकी एज 22 तेईस साल की है 21 बाईस साल की एज है ठीक है बाईस इक्कीस बाईस साल की और आप कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो जैसे मुझे याद है एक स्टूडेंट आज से एक साल पहले की बात है दिल्ली से मुझे कॉल किया उसने बोला सर मैं इक्कीस साल का हूँ और मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ और पिछले छः आठ महीने से मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए आ, क्या क्या प्रोफेशन क्या नौकरी करनी चाहिए नौकरी छोड़ दूँ मैं मैंने कहा भाई बताओ तो फैमिली में तुम्हारे क्या सीन है पापा कितने सपोर्टिव हैं पैसे के मामले में क्या सर पापा पैसे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई मसला नहीं है पापा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा अभी नौकरी छोड़ो इसको रेजिग्नेशन दो और चुपचाप अपने घर जाओ दिल्ली छोड़ के घर जाओ वहाँ पर के तैयारी करो आप तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी करने की और ये जो नौकरी तुम कर रहे हो कॉल सेंटर वाली नौकरी ये तो तुम यार दो साल बाद भी कर सकते हो कोई ऐसे बात तो है दो साल बाद भी तीन साल बाद कर लेना क्या दिक्कत है ठीक है तो अगर कंडीशन ऐसी है कि आप इक्कीस बाईस तेईस साल की उम्र है चार मैं चौबीस पच्चीस साल की भी उम्र भी है और बहुत छोटी सी नौकरी ऐसी नौकरी जो आपको दो साल बाद भी मिल सकती है तब तो, तो मैं कहूंगा कि आप छोड़ो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कोई शादी नहीं की है बच्चा नहीं किया आप, आ, लोन नहीं है मकान का मंगा नहीं है तो छोड़िए इसको और आराम से प्रिपरेशन कीजिए ठीक है ऐसी नौकरी जो बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो अचीव करने की आप छोड़ सकते हो लेकिन अगर आप कि ऐसी नौकरी है जहाँ पे आप थोड़ा सा एक लेवल पे आ गए हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो एमएनसी में काम कर रहे हो या किसी मिड मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच गए हो सरकारी नौकरी छोटी सी मिल गई है कोई आपकी पुलिस की नौकरी मिल गई फौज की नौकरी मिल गई मुझे बहुत लोगों ने मिला किसान मैं फौज की नौकरी करता हूँ मैं क्या छोड़ दूँ मैं कहना भाई फौज की नौकरी मिल रही है तो अच्छी खासी तीस पैंतीस हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है दिक्कत आ जाएगी ठीक है क्यों मैं ये बोलता हूँ कि नौकरी नहीं छोड़नी क्योंकि देखिए एक बात मांगे चलिए कि एटलीस्ट दो साल की पढ़ाई है दो आप आप कुछ करो आप खुद पढ़ो आप कोचिंग से पढ़ो कोई ऊपर से भगवान उतर उतार आ गया, आए गया और आपको पढ़ाना शुरू कर दे कुछ कर लो मान के चलो कि पंद्रह महीने से लेकर दो साल की तो प्रिपरेशन लगेगा लगेगा समय लगेगा लगेगा आपको ठीक है मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको उसके बाद उसके बाद तो अलग चीज है उसके बाद कॉम्पिटिशन शुरू होता है दो साल तो पहले आप पहले पढ़ाई करो उसके बाद जाके अपनी फिर फिर आप प्रिपरेशन में आते हो कॉम्पिटिशन में आते हो उससे पहले तो कॉम्पिटिशन में नहीं होते हो अपना ठीक है तो दो साल एटलीस्ट दो साल की पढ़ाई जो होती है मतलब बहुत आप इंटेलिजेंट हो बहुत बहुत दिमाग आपके अंदर है बहुत अच्छा आपके रिसोर्सेज आपके पास हैं लेकिन तभी दो साल तो सर्वाइव करना है ना तो क्या दो साल सर्वाइव कर पाओगे आप एटलीस्ट दो साल के सर्वाइव कर पाओगे क्या किस तरह से करोगे आप क्योंकि देखिए एक बात समझिए अगर पैसे नहीं है आपके पास और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो समझ के चलिए कि फिर तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे आप अगर आपके बच्चों को जरूरत है आपके बीवी को जरूरत है ठीक है की और उसकी जरूरतें आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो मांग के चलिए कि इससे बदतर चीज चीज़ नहीं होगी और आप प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे आप नहीं कर पाओगे आप तो एक रियलिस्टिक बात सोचनी चाहिए कि अगर जिम्मेदारी हो रही है तो फिर फिर आप नौकरी मत छोड़ो आप मत छोड़ो नौकरी आप फिर क्या करना है फिर आपको वो करना है जो शायद बहुत बढ़िया रहता है वो है कि आपको अपना जो फालतू टाइम है उसका इस्तेमाल करना चाहिए फ़ालतू टाइम होता है हमारे पास हम कितने बिज़ी क्यों ना हो हम लोग दो चार घंटे तो बर्बाद कर ही देते हैं मोबाइल में चैट करने के पिक्चर देख रहे हैं वेब सीरीज़ देख रहे हैं ठीक है गप्पे ही मार रहे हैं बैठ के शाम को आके कर शराब पी रहे दारू पी रहे हैं आराम से पार्टी बना रहे हैं ठीक है इस तरह के सब होता है इस तरह चीज़ सब हरकतें करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा सो रहे हैं तो सबके पास दो चार घंटे ऐसे होते हैं जो आप फालतू का समय बर्बाद करते हो करना क्या है इसको आप इस समय को इस्तेमाल करना शुरू करो सबसे पहले जो का फालतू टाइम है मैं। आप जॉब कर रहे हो करते रहो जॉब कर रहे हो फैमिली को समय दे रहे हो बिल्कुल देती है लेकिन जो फालतू समय है उसको इस्तेमाल करो सबसे पहले और समय सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है कि आप मिनिमम में शुरू करो मिनिमम से मतलब आपके पास चुमारो चार घंटे बर्बाद करते हो आपको पता है कि चार घंटे में बर्बाद करता हूँ मैं लेकिन आप चार घंटे पढ़ोगे नहीं आप, आप पढ़ोगे एक घंटे से अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चार घंटे फ्री हैं लेकिन आप पढ़ पे आपको बोल रहा बोलो एक घंटे से पढ़ोगे क्यों क्योंकि देखिए भले ही चार घंटे टाइम आपके पास फ्री के टाइम है बट अभी आपकी बॉडी आपका ब्रेन आपका माइंड आपकी सोल आपकी फैमिली आपकी जॉब अभी तक एडजस्ट नहीं हुई है एडजस्ट नहीं कर पाई अभी तक ठीक है ना शुरू में आप होता है तो अभी सब सब चीज़ें अपने रूटीन में हैं सब आपको टाइम आपसे ले रही हैं ठीक है आप भी अपने लिए समय दे रहे हो तो अब क्या पहले पहली बार प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो अगर पहले दिन से ही पाँच घंटे पढ़ने की कोशिश आपने की तो यकीन मानिए कि आप एक दिन भी अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है आप पहले दिन से जाके आप एक नया काम करना शुरू करो जो पाँच घंटे आपका ले रहा हो अभी आपकी बॉडी तैयार नहीं है आपका माइंड तैयार नहीं है आपका आपके आपके इमोशंस तैयार नहीं है अभी आपको कहते हैं ठीक है तो एग्जॉस्ट ना हो जाओ एक ही दिन में एग्जॉस्ट ना हो जाओ एक ही दिन, दिन, दिन में फैमिली को दिक्कत ना आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे छोटा स्टार्ट करो वो है एक घंटा अगर वो भी दिक्कत आ रही तो कहते हो आधा घंटा अब आधा घंटा एक घंटा से पढ़ना शुरू करो आप और अगला दस दिन पंद्रह दिन इस बात पर फोकस करो कि मुझे वो रोज आधा घंटा निकालना ही निकालना है मैं रोज वो आधा घंटा निकालूंगा चाहे कुछ हो तो जाए मैं जॉब पे जाऊंगा फैमिली को समय दूंगा ठीक है मैं थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय दे दूंगा लेकिन यार मैं आधा घंटा सात बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक मैं मैं पढ़ूंगा जरूर चाहे कुछ हो जाए अब यकीन मानिए आधे घंटे से होता कुछ है नहीं है ऐसा नहीं कि आधा घंटे से आप पीसेस बन जाओगे लेकिन अभी यहाँ पीसेस बनने की तो बात ही नहीं हो रही ना अभी तो आपको पीसेस बनने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है उस तैयारी करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है एक होता है पीसेस बनना एक होता पीसेस की तैयारी करना और तो पीसेस की तैयारी करने की तैयारी करना ठीक है एक स्टेप और उसकी तैयारी करना है अभी आपको अभी आपको मैं बॉडी और एक रूटीन लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पंद्रह दिन तो सिर्फ कोशिश करो कि आप कुर्सी में से बैठ बैठ सको आप और यगे मानिए अगर आप पंद्रह दिन आप कुर्सी में से बैठ गए सात लगे साढ़े सात बजे के बीच में आप बैठ गए कुर्सी में तो आप देखोगे कि दस पंद्रह दिन के बाद वो आधा घंटा अपने आप बढ़ के एक घंटा हो गया अब एक नोट्स मत लेना अभी कोई कोचिंग मत पढ़ो अभी कोई कुछ मत करो अब सिर्फ जो नॉर्मल से किताब कोई होती है उसको ले आओ मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रहा हूँ आपको वार्म अप करने के लिए वार्म वार्मअप अभी यही कह रहा कि कोचिंग पढ़ ही लो अभी ताकि पचास हजार एक लाख रुपये खर्चा कर ही दो नहीं मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को पहले कुर्सी मेज पर बैठना सिखाओ अपने आप को क्योंकि तो आपको पढ़ाई छोड़े दस पंद्रह साल हो चुके होंगे दस पंद्रह साल हो चुके होंगे हो तो अभी आपका दिमाग अभी आपकी बॉडी उस चीज़ में हैबिचुअल नहीं होती है तो जब आप कुर्सी मेज में बैठना शुरू करोगे दस मतलब पंद्रह दिन आप देखोगे आधा घंटा जो है वो अपने आप बढ़ के एक घंटा हो गया और फिर अगर आपने हफ्ता भर एक घंटा पढ़ लिया तो आप देखोगे एक घंटे से वो डेढ़ घंटा हो गया देर से वो दो घंटे इस तरह से आप देखोगे कि अगले दो से तीन महीने के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो तीन से चार घंटे के बीच में होना शुरू हुई हो है और यकीन मानिए तीन से चार घंटा जो अगर आप पढ़ रहे हो ना जॉब के साथ फैमिली के साथ तो यकीन मानिए तीन चार घंटे बहुत होता है बहुत अच्छा समय होता है कम नहीं है क्योंकि जो नॉर्मल घर में बच्चे रहते हैं वो लोग भी चार पाँच छः घंटे ही रेगुलर टाइम पर पढ़ते हैं ऐसा नहीं कि दस दस घंटे पढ़ रहे होते हैं ये तो ये तब आप जब आप सिलेक्शन जब आप सिलेक्शन पास जाओगे ना तब आप बोल बोलना इंटरव्यू में कि मैं मैं दस दस घंटे पढ़ता था कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा लेकिन जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने खुद क्या करता हूँ नॉर्मल टाइम में चार से छः घंटे ही पढ़ता है और अगर आप बिजनेस अपनी नौकरी के साथ और अपनी फैमिली के साथ तीन से चार घंटा दे रहे हो तो बहुत अच्छा दे दो आप ठीक है तो दो चीज़ें हैं पहली चीज़ आप जॉब नहीं छोड़ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो जॉब नहीं छोड़नी है आपको क्योंकि बिना पैसे के तैयारी नहीं हो पाएगी फर्स्ट एड हो जाओगे दो तीन साल की तैयारी हो जाती है मान के लीजिए दो तो लगता ही है कोई आप जिस कॉम्पिटिशन में हो वो कॉम्पिटिशन समय लेता है तो वो सर, उस समय को सर्वाइव करने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको ठीक है अगर आपको जिम्मेदारी है और अच्छी खासी नौकरी है आपकी तो मैं कि आप बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़नी आपको दूसरा अगर आपकी नौकरी कोई छोटी मोटी नौकरी है समय आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल आप नौकरी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है ठीक है और एक बार अगर आप पढ़ाई करने के मूड में आ गए हैं तो कोशिश करिए कि आधे घंटे से एक घंटे से शुरू करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपनी फैमिली को एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि धीरे धीरे ही अपनी आपकी फैमिली और आपकी जॉब जो है वो एडजस्ट करना शुरू करेगी उनसे ये उम्मीद मत कराएगा कि पहले दिन से ही वो आपके लिए आप एडजस्टमेंट कर लेंगे समय लगेंगे उनको समय दीजिए अपने आप को समय दीजिए और दस पंद्रह दिन एक महीने का थोड़ा समय ले चलिए धीरे धीरे अपने आप को रूटीन बढ़ाइए और फिर एक वक्त आएगा जहाँ पर आप आराम से तीन से चार घंटा निकालना शुरू कर दोगे आप तो दोस्तों ये मेरा कहने का मकसद कि अपने पर प्रेशर कम से कम लीजिएगा अपनी सिचुएशन देखिए अपने हालात देखिए अपने अपनी जिम्मेदारियाँ देखिए उसके बाद फैसला लीजिए लेकिन हाँ यकीन मानिए एक बात और ख़त्म होने से पहले जब आप पी के इंटरव्यू जाते हो मैं दो दो बार गया हूँ ठीक है मैं पी के इंटरव्यू दो बार गया और मैंने ये चीज़ देखी कि आपके साथ जो, जो लोग आते हैं सौ लोग होते ना जिस जिस दिन आप इंटरव्यू होता है सौ डेढ़ सौ लोग होते हैं और आप उसमें देखोगे कि नाइन्टी परसेंट ज़्यादा लोग जॉब कर रहे होते हैं नहीं तो एट्टी परसेंट ज़्यादा लोग जॉब कर ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो जॉब कर रहे होते हैं उसके साथ वो प्रिपरेशन करते हैं तो यानी कि नौकरी के साथ तैयारी संभव है जो सिलेक्शन पाते सेलेक्ट सेलेक्ट होते हैं ना उसमें भी सेवेंटी एट्टी परसेंट वो लोग होते हैं जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे होते हैं मात्र पंद्रह बीस परसेंट ही लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं अन्यथा नौकरी करने वाले लोग ही फिर से री इलेक्ट होते हैं या री नौकरी पाते हैं री सेलेक्ट होते हैं तो आप लोगों को यही है कि संभव है पूरा संभव है बेशरते हम कितना डिटर्मिनेशन दिखा पाते हैं बेषरतः हम कितना अपने आप को शेड्यूल कर पाते हैं कितना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज कर पाते हैं रिस्पॉसिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज की जाती है तो किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते हुए किस तरह से अपने कैरियर को मैनेज करते हुए हम अपने जो फालतू का समय है उसको कैसे निकाल पा रहे हैं बस यहाँ पर गेम यही पाया अगर आपने ये कर दिया सिलेक्शन हो गया अगर आप नहीं कर पाए फिर आप भटकते रहोगे इच्छा के साथ ही जिए हो इस के साथ ही मर जाओगे लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी दिखाई थोड़ा सा डिटर्मेशन दिखाया यकीन कि आप यकीन बनाएगा आप सिलेक्शन होगा आपका बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया ही हुआ आपका आप चाहिए वहाँ से नंबर लीजिए कुछ समस्या आपको और आ रही होगी मुझे पता है अगर आपने यार वीडियो देखा यहाँ तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपके पास और भी कुछ सवाल होंगे आप बिल्कुल बेधड़क होकर इस नंबर पर कॉल कीजिएगा उससे डायरेक्टली बात कीजिएगा कोई समस्या नहीं है मैं आपको और भी बातें बताऊंगा आपकी समस्याओं को समाधान और करूंगा मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा आपको मैं ठीक है बाकी और किसी तरह की आपको दिक्कतें आएँ समस्या आ रही हो मुझे कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन उसमें में नंबर दिया हुआ है धन्यवाद